नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि जब हमारे पास कभी भी किसी से युद्ध होता है तो उस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी युद्ध की चीज़ें हैं, उनको क्या हमारे पास खड़ी करने की जगह है किसी दूसरी देश में, या उसकी रिपेयरिंग वगैरह अगर की ज़रूरत है दूसरे देश के पास से तो वो क्या हो सकती है। अगर उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया है तो क्या वो उसमें मिल सकता है वहाँ पर। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो सोचिए हमारा दूसरे देश के पास जाकर भी युद्ध करना कितना आसान हो जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं पूरी खबर को कि आखिर ये खबर है क्या। दरअसल दोस्तों, भारत और रसिया एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जिस जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी। ऐसा समझ लीजिए कि अब ये ऐसा एग्रीमेंट है जिससे भारत और रशिया इन दोनों देशों को एक दूसरे के पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि रशिया भारत के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि भारत की इंडियन ओशन में एंट्री हो जाएगी, रशिया की इंडियन ओशन में एंट्री हो जाएगी। रशिया को अगर किसी से युद्ध होता है या कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी काम से, अगर उसका शिप यहाँ से निकल रहा है तो इंडिया के पोर्ट पे वो आ सकता है। उसको फ्यूल की ज़रूरत है तो रिफ्यूलिंग हो जाएगी। अगर उसको कुछ ख़राबी हो गई, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो अपना वो मेंटेनेंस का काम भी करवा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐसे ही भारत को भी ये अधिकार मिल जाएगा कि भारत रशिया के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है फॉर अपनी रिपेयरिंग के लिए और रिफ्यूलिंग के लिए। इस तरह की चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं दोस्तों। अब एक ये तो हो गया दोस्तों, क्या ये हमारा और भी किसी देश के साथ ऐसा कोई साइन हमने कर रखा है एग्रीमेंट? हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो क्वाड कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, इनके साथ हमारा ऐसा पैक्ट पहले से हो रखा है। इसके साथ ही साथ हमने सिंगापुर के साथ ऐसा पैक्ट कर रखा है, और फ्रांस के साथ कर रखा है, साउथ कोरिया के साथ कर रखा है, ओमान के साथ कर रखा है। तो इस तरह से भारत के पास दूसरे देशों के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट हमने और भी कर रखे हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने USA के साथ ये एग्रीमेंट पहले कर रखा है जिसका नाम है लेमोवा, और अब हम रशिया के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। सोचिए हमने अपनी जियो पॉलिटिकली हम कितने अपने आप को बैलेंस बना कर चलते हैं कि हम एक तरफ रशिया से भी अपना काम करा लेते हैं और दूसरी तरफ USA से। हालांकि जैसे ही हम ये साइन कर लेंगे, ये चीज़ USA को बिल्कुल पसंद आने वाली नहीं है, लेकिन हम उनको मैनेज कर लेंगे। हमारी पिछला रिकॉर्ड ऐसा ही बताता है कि हम मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो रशिया हो या कोई दूसरा देश हो। अब इस बार हमें पता है कि USA को तकलीफ़ होगी, लेकिन वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही बात ये कि भारत को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है रशियन पोर्ट की। तो दोस्तों आपको ये बता दें, हालांकि भारत को रशियन पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऐसा सच वहाँ पर कुछ करना नहीं होता। हाँ, लेकिन ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। रशिया को समझ लीजिए कि इंडियन ओशन में उसको जगह मिल जाएगी कुछ भी। अब ये समझ लीजिए कि वो 365 दिन अपने सबमरीन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकता है इंडियन ओशन में। अभी तक क्या है कि उसको रिफ्यूलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसको ये टेंशन ख़त्म। अभी ये कि रशिया इंडियन ओशन में उसके पास नहीं थी एंट्री, अभी वो उसकी खड़ी करता था वो सारी चीज़ें, लेकिन वो रेड सी में खड़ी करता था क्योंकि रशिया का एक एग्रीमेंट है सूडान के साथ। तो वो सूडान के साथ एग्रीमेंट होने के साथ ही वो उसका पोर्ट वगैरह यूज़ कर लेता है, लेकिन रेड सी और इंडियन ओशन दोनों में दूरी है तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि रेड सी से वो किसको काउंटर कर सकता है? या तो हूती वगैरह को, हूती रिबल्स जो हैं, हूती रिबल्स को रशिया क्यों काउंटर करेगा, क्यों मारेगा उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो फ़ायदेमंद है रशिया के लिए, वो वहाँ पर अटैक करते हैं वो, तो उससे रशिया को कोई नुकसान नहीं है, रशिया को बल्कि वो फ़ायदा ही है। तो इसलिए इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रशिया के लिए। अब ये तो देखने को दिखेगी कि भारत की और रशिया की जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी भविष्य में। दोस्तों ये हमें, खैर, रशिया के साथ ये एग्रीमेंट करना भी चाहिए था क्योंकि
रशिया हमारा बहुत ही ज़्यादा रिलायबल दोस्त है, काफ़ी मतलब औरों को देखते हुए रशिया के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर हमने ये रशिया को इतना ये एक्सेस दे दिया है तो ये मान लीजिए कि रशिया भी कुछ ना कुछ हमें और दूसरे तरीके से फ़ायदा पहुँचा देगा। इसका फ़ायदा हम और भी दूसरी जगह ले सकते हैं। ये जैसे हमने उनको अपनी पोर्ट का एक्सेस दे दिया, अपनी जगह का एक्सेस दे दिया, अब ये कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी और अच्छे से बढ़ाने के काम आएगा रशिया के साथ। अभी जैसे कि ये देखने को मिला, हमने रशिया के साथ जो भी बिज़नेस वगैरह करें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अभी क्या है कि व्यापार का नुकसान है भारत का, अभी ट्रेड इम्बैलेंस है, मतलब हम ज़्यादा परचेस कर रहे हैं बेच कम रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें अभी जो हो रही हैं। जैसे और भी ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप होगी तो ये देखने को मिलेगा कि भारत को दूसरे रास्ते से, दूसरे तरीके से रशिया फ़ायदा पहुंचाएगा। हमें हो सकता है कि अपने वो मार्केट का और एक्सेस दे दे, जिससे हम और ज़्यादा अपना बिजनेस वहाँ पर कर पाएँ। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या होता है। अब कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।